हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपने व्हाट्सएप पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, मैं अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ गूगल पे सर्च कर लेता हूँ MPCZ। तो ये देखिए, यहाँ पे खुल चुके है MPMKVVCL भोपाल। मैं ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये पोर्टल खुल चुका है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का। अगर आप चाहते हैं किसी अदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बिल व्हाट्सएप पे चेक करना, तो प्लीज यार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मैं यहाँ पे नीचे क्लिक कर देता हूँ, क्लिक हेयर टू पे पे। तो ये साइट थोड़ा सा टाइम लेती है ओपन होने में। देखिए, ये पेज ओपन हो चुका है। हम यहाँ से भी अपने बिल को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना IBRS नंबर जो आपके बिल पे लिखा हुआ रहता है वो डाल सकते हैं, या अपनी अकाउंट ID, या अपना मोबाइल नंबर, और या अपना एग्रीकल्चर बिल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर हमारा टॉपिक है कि हम व्हाट्सएप से कैसे बिल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यार उसको देख लेते हैं। यहाँ मैं बैक करता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर एक नंबर लिखा आ रहा है 07552551222। तो यार मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ओपन हो चुका है व्हाट्सएप पे, और ये पूरा कंप्यूटराइज होता है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं स्टार्टिंग में। मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ नो थैंक्स। देखिए यहाँ पे आ गया प्लीज इंटर ए वैलिड इनपुट। तो यहाँ पे ये हमसे बोल रहा है कि आप को ऑप्शन दे रहा है इतने सारे, आपको जो भी करना है आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, रजिस्टर क्विक कंप्लेंट फॉर पावर सप्लाई। अगर आपको पावर सप्लाई से रिलेटेड किसी प्रकार की कंप्लेंट करनी है तो आप एक क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको अपना बिल चेक करना है लो टेंशन, तो आप जो आपका घरेलू बिल होता है वो लो टेंशन का होता है, तो उसके लिए हम दो क्लिक कर सकते हैं। और तीन नंबर जो है, इस पे हम क्लिक करके हमारी पेमेंट रिसीप्ट चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बता दें कि LT और HT का मतलब है लो टेंशन और हाई टेंशन। तो यहाँ जो फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर है, ये हाई टेंशन लाइन वालों के लिए है जो फैक्ट्रियों में या किसी बड़ी जगहों पे यूज करते हैं ज्यादा सप्लाई को। और सिक्स में है रजिस्टर कंप्लेंट, सेवन्थ है व्यू एग्जाइटिंग कंप्लेंट स्टेटस, और एथ में अदर एप्लीकेशन स्टेटस, और नाइन में है लिंक यूअर मोबाइल नंबर टू कनेक्शन नंबर। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल नंबर को अपने कनेक्शन नंबर से लिंक कर सकते हैं, और टेंथ में भी है। तो यार हमें अपना बिल चेक करना है, अपना घरेलू बिल, तो हम यहाँ पे दो क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गया है। फर्स्ट है कि टू यूज मोबाइल नंबर यू आर चेटिंग फ्रॉम, मतलब अगर हमारा ये मोबाइल नंबर जिससे हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, अगर इसी नंबर से आप चेक करना चाहते हैं तो आप एक क्लिक कर सकते हैं। पर ये अगर आपका लिंक होगा अपने बिल के उसमें, तभी ये हो सकता है। बाकी मेरा लिंक नहीं है उसमें बिल के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी कस्टमर आईडी डालूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टू क्लिक करके सेंड कर देता हूँ। ये देखिए हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शन और आ चुके हैं, अर्बन, रूरल और एग्रीकल्चर। तो अगर हम शहरी क्षेत्र से हैं तो हम अर्बन यूज करेंगे, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र से बिल चेक कर रहे हैं तो हम रूरल चेक करेंगे, या फिर एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर का। तो यार हम लोग शहर में रहते हैं इसलिए हम अर्बन चूज करेंगे। एक सेंट। तो ये देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि काइंडली एंटर कस्टमर आईडी। तो यार मैं अपनी कस्टमर आईडी इसमें लिख रहा हूँ,
और एक IBRS नंबर भी होता है, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो यार मैं अपनी 10 अंकों की कस्टमर आईडी टाइप कर देता हूँ। तो यार ये मैंने अपनी कस्टमर आईडी डाल दी और इसको सेंड कर दिया। अब थोड़ी देर में हमारा बिल हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा बिल हमारे इस पे आ चुका है व्हाट्सएप पे, और ये डाउनलोड भी हो चुका है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा बिल डाउनलोड हो चुका है और ये ओपन हो गया हमारा बिल मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का और घरेलू विद्युत देयक, क्योंकि ये घरेलू बिल है। और देखिए आपको यहाँ पे एक चीज और दिखाता हूँ मैं, आप यहाँ पे देख रहे होंगे नियत तिथि तक देय राशि जीरो। तो ये जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपने इस मंथ का बिल पे कर दिया है, इसलिए ये जीरो हो गया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों ने उसे अपडेट कर दिया है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कमेंट में बताएं यार कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।